So students, let us continue with determiners. Now this is part 3. Now we will learn the use of much, many and many a. Use of much, many, many a. One is use of much, many and many a. These are one. Okay, many a is ये अलग से एक डिटर्मिनर है, मच अलग है, मैनी अलग है, मैनी अ अलग है, उसमें सिंग दिस वन विल ऑलवेज बी देयर. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद मच मैनी. पहले मच और मैनी को समझना जरूरी है, मच कहाँ यूज करते हैं और मैनी कहाँ यूज करते हैं. पहले तो जनरल सी बात समझिए, जस्ट वन थंब रूल इज much is used with quantity and many is used with number. much is used with quantity that cannot be counted. जैसे आप चावल खाते हैं तो आप चावल क्या, चावल को आप क्वांटिटी में बोलते हो, मैंने थोड़े से चावल खाए, इतने चावल खाए, इतने चावल खाए. लेकिन कभी ऐसा तो नहीं बोलते मम्मी को मैंने 5 चावल खाए, मम्मी आज तो मैंने 10 चावल खा लिए, मैं बस अब डट गया. नहीं, much is quantity and many is number. many is used with number that can be counted. for again n stand for, as किसी को ऐसे मत बोलना कि सर ने ऐसे बताया कि n का number होता है तो वहां पर number ही लगना है. ये सिर्फ अपनी दिमाग में बिठाने के लिए, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं कि many में n लगा तो number के साथ, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 गिन सकते हैं, many boys, many oranges, many bananas, many apples, many chapatis. बट मच विद क्वांटिटी, मच राइस, मच वाटर, मच मिल्क, दीज फर्स्ट बेसिक रूल इज मच इज यूज विद क्वांटिटी एंड मैनी इज यूज विद नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, यू जस्ट आस्क योर सेल्फ एंड यूज मच इन अ सेंटेंस और मैनी इन सेंटेंस. जितने भी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूं कि मच और मैनी में से कोई एक यूज करो, वो फटाफट यूज करते हैं. आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव ईटन मैनी एप्पल्स. दिस इज रॉन्ग. गो टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पेज नंबर 72, सेवंथ एडिशन. किसी भी डिक्शनरी को ले लो, ऑक्सफोर्ड की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पकड़ो और मच और मैनी का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो. वहां पर एक नोट लगा होगा कि जनरली मच एंड मैनी, जनरली मच एंड मैनी आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मच और मैनी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करना है. अब आप बोलेंगे सर पहले एनी के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, अब इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई. फर्क है, एनी में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ एनीथिंग. इन मच एंड मैनी यू वॉन्ट टू सजेस्ट लार्ज नंबर, मैनी. आप मैनी की बात करो, बहुत ज्यादा की बात करो, एनी मैनी करो. सम में तो आई हैव ईटन सम राइस, ओके, बट वेन वी आर सेइंग मच, मच मीन दैट इज लार्ज अमाउंट. ओके, सो मच एंड मैनी आर यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मच और मैनी को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज करते हैं तो फिर पॉजिटिव सेंटेंसेज में क्या करते हैं. वहां पर तो सम था, यहां पर क्या है वो मैं बाद में बताता हूं. पहले मच और मैनी को कंप्लीट कर लेते हैं. मच एंड मैनी आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे देयर आर नॉट मैनी फॉरेस्ट्स इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट. There are not many forests. Many के बाद हमेशा ही plural आएगा. Many is used with number, countable.
ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लूरल, मैनी बॉय नहीं बोल सकते आप, मैनी बॉयज, मैनी फॉरेस्ट नहीं बोल सकते, मैनी फॉरेस्ट. सो मैनी प्लस countable plus that is always plural. So there are not many forests in this part of the state. I have not read many poems written by John Donne. I have not read many stories by Premchand. So this is, you have not read many stories meaning you have read some. Uska meaning yehi hua. There are not many forests in the part of the state. I have not met many people from Africa, from South, whatever you can say, but इतना याद रखना कि ये. और interrogative में कैसे use करेंगे, have you read many stories last week? Suppose you are saying, I am fond of reading books, I am fond of reading stories. मैं तो शौकीन हूँ stories पढ़ने का. तो आपका friend आपको पूछ रहा है, have you read many stories last week? Have you read many? Interrogative में क्या है? Many. And generally, interrogative sentences where the answer is yes or no. Have you read many stories last week? Yes. Have you read many stories last week? No. Generally, answer is yes or no. And then you can say, how many stories did you write last year? How is also, this is also interrogative sentence. So you can say, how many stories did you write last year? I have not written many stories last year. I have not, in negative only. Okay, same is the case with much. Much is used with, I have already told you, much is used with either negative or interrogative. For example, during summer there is not much water in this river. There is not much water in this river during summer days. Okay. Then, how much water do you need for the purpose of construction? Question again. Have you grown much rice in your field this year? Again question, yes or no. Have you grown much rice? Have you grown much wheat? Have you got much supply of water during summer? These are negative and interrogative sentences. Okay, now exception is there. Much and many are also used in affirmative sentences. Much and many in affirmative also. In affirmative sentences. देखिए मैंने आपको क्या कहा, much का meaning large amount, large quantity, many large number, आप ज्यादा की बात कर रहे हैं. Much countable के साथ यूज करेंगे many, much uncountable के साथ यूज करेंगे many, countable के साथ करेंगे. much को हम गिन नहीं सकते हैं, क्वांटिटी में बताते हैं, और many में नंबर है उसको हम गिन सकते हैं. नंबर वन. नंबर टू, much and many आर यूज इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज. ओके, बट दे आर ऑल्सो यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंसेज विद so and to. अब आप affirmative sentence में इसको use कर सकते हो किसके साथ, so और to के साथ. so और to के साथ कैसे, there is so much water in this river during monsoon. there is so much, you cannot say there is much water, no, not in affirmative. but if
you are using this in affirmative, you will have to use so or to. There is too much water in this river during monsoon. There is so much water. I have so many friends in America. I have too many books about this or that. I have too many books of grammar at my home. I have so many books of grammar at my home. So, with so and to, you can use much and many. So much. So many, too many. Okay? This is clear? Now, students, next one is, now there is a question can be raised. Ye to ho gaya. Much jo hai aap negative interrogative mein use karoge, many jo hai aap wo negative interrogative mein use karoge. Many a ko bhi hum nahi disturb karenge, isko rehne do. Ab aapke dimag mein aata hai ki theek hai, hum jab ye bolna chah rahe hain ki wahan par bahut zyada pani hai, humne nahi bolna hai ki bahut zyada pani nahi hai. Hum nahi bolna chah rahe kyunki hai pani. तो हम नहीं क्यों बोल रहे हैं, हम ये बोल सकते देयर इज नॉट मच वाटर, लेकिन नो आई वांट टू से देयर इज मच वाटर एंड योर टीचर इज आस्किंग यू टू करेक्ट योरसेल्फ और देयर इज कॉमन एरर, यू कैन नॉट यूज मच, देन व्हाट इज द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मच इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया अगर मच और मैनी को नेगेटिव और अफर्मेटिव में ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही यूज करना है तो अफर्मेटिव में क्या करना है, तो उसके लिए क्या है, देखिए ये मैनी इज इक्वल टू एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैनी की जगह क्या यूज करना, अ ग्रेट मैनी, आई हैव अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स, अ गुड मैनी, आई हैव अ गुड मैनी बुक्स ऑफ ग्रामर, अ ग्रेट नंबर ऑफ, आई हैव रेड अ ग्रेट, यू वॉन्ट टू से आई हैव रेड मैनी बुक्स, आई हैव रेड मैनी बुक्स written by Shakespeare. So your teacher will say no, the use of many is wrong. Then you can say I have read a great number of books written by Shakespeare. Okay, I have great many books, a good many, a great number of. Either agar article a lag gaya to singular karna, a great number, aur agar article nahi lagana to kya karna, great numbers of. I have read great numbers of books written by शेक्सपियर, और यू कैन से प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ. ये सारे एफर्मेटिव में आप यूज कर सकते हो, किसकी जगह, मैनी की जगह. मैनी इज इक्वल टू दैट, जो मीनिंग मैनी का होगा वही इनका होगा, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ. मच की जगह क्या यूज करोगे, मच की जगह क्या यूज करना है एफर्मेटिव में, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर इन दिस रिवर ड्यूरिंग मॉनसून, प्लेंटी ऑफ, देयर इज प्लेंटी ऑफ वॉटर इन दिस रिवर, देयर इज द फार्मर्स ऑफ इंडिया ग्रो प्लेंटी ऑफ राइस, plenty of rice, a large quantity of rice, a great deal of rice is grown in India, a good deal of these are, okay, a lot of rice is grown in India, a large amount of rice is grown. So you have much is equal to, this is for affirmative sentences. Okay, now this is clear. Many is equal to a great many, good many, great number of, great numbers of, plenty of, lots of, a lot of. Then we have much is equal to a great deal of, a good deal of, a large quantity of, plenty of, a lot of, a large amount of. Okay, so much and many, I hope, and all these things, great number of, great numbers of, lots of, these are also determiners. Keep it in your mind. If much is used in negative and interrogative, these great number of, great deal of, these words or determine, these are also determined, these are determiners. Okay, a lot of, so determiner may be one word and the some, many, much, it can be
मोर देन, इट कैन कंटेन ऑफ मोर देन वन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल लॉट्स ऑफ टू वर्ड्स, अ लॉट ऑफ थ्री वर्ड्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ फोर वर्ड्स, ग्रेट नंबर ऑफ थ्री वर्ड्स. सो दीज आर डिटर्मिनर्स, सिंगल डिटर्मिनर. ओके, दे विल बी कंसिडर्ड सिंगल डिटर्मिनर. ओके स्टूडेंट्स, सो मच एंड मैनी. नाउ वट इज मैनी अ, यूज ऑफ मैनी अ. मैनी अ इज इक्वल टू मैनी, बट यू कैन नॉट यूज मैनी इन एफर्मेटिव सेंटेंसेज, बट यू कैन यूज मैनी अ इन एफर्मेटिव सेंटेंसेज. द डिफरेंस इज मैनी अ इज इक्वल टू मैनी. Many is used in negative and interrogative. This can be used in affirmative. Okay. Then many a mein kya difference hai many mein. When you are using many, many plus plural, number plus plural verb. Plural number hoga, plural verb hoga. Ab plural verbs kya hote hain? Aap bolenge lo ji. नाउन तो सुने थे सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब नहीं सुना प्लूरल. वर्ब्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल. इज क्या है सिंगुलर, आर क्या है प्लूरल, तो है वर्ब की नहीं है. ठीक है, फिर हैज क्या है सिंगुलर वर्ब, हैव क्या है प्लूरल वर्ब. यू विल यूज बॉयज हैव, इट मीन्स प्लूरल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव, हेयर हैव इज सिंगुलर. सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वही होगा. सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, दिस वर्ब इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. देन वी हैव, नाउ दिस इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अगेन इट हैज नाउ चेंज्ड, हैव इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल. नाउ यू विल से दे हैव, सो नाउ थर्ड पर्सन प्लूरल, दिस इज ऑल्सो थर्ड पर्सन प्लूरल. सो देयर आर सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब. But with many a, we use singular noun plus singular verb. Verb भी singular, plural भी singular होना है. तो कई बार exam में अगर ये question आ जाता है many a वाला, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं गलती लग गई एग्जामिनर को, क्योंकि मैनी के साथ ए तो होगा ही नहीं. मैनी तो अपने आप में मैनी है, ए आर्टिकल. नो नो नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ डिटर्मिनर मे कंटेन वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स. दिस डिटर्मिनर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, मैनी अ एंड दिस बिकम्स वन. ओके, सो नाउ द यूज ऑफ मैनी. For example, I am writing many a students took part in cultural activities. Many a students took part इन कल्चरल एक्टिविटीज. अच्छा लग रहा है, अच्छा सेंटेंस है, बढ़िया सुंदर दिख रहा है, लेकिन नो, मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन. सो यू कैन नॉट यूज स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू यूज स्टूडेंट. मैनी अ स्टूडेंट टुक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज, देन मैनी अ स्टूडेंट्स आर going to the playground. Many a students are going. अच्छा लग रहा है, भला चंगा, बिल्कुल सुंदर. No, many a plus singular, काट दो इसको, ये गलत है. आर काट दो, ये भी गलत है. क्यों? Many a is equal to singular noun. Noun आपने singular कर दिया student. Plus singular verb आपने इसको क्या कर दिया? Many a student is going to the playground. I have read many a books written by Shakespeare. No,
आई हैव रेड मैनी अ बुक रिटन बाई शेक्सपियर. दैट मीन्स मैनी. वेन यू आर सेइंग आई हैव रेड मैनी अ बुक्स रिटन मैनी अ बुक रिटन बाई शेक्सपियर मीन्स आई हैव रेड सो मैनी बुक्स अ लॉट ऑफ बुक्स रिटन बाई मैनी अ का मीनिंग वही है. वेन यू आर सेइंग मैनी अ स्टूडेंट इज गोइंग टू द प्ले ग्राउंड यू आर नॉट सेइंग दैट वन स्टूडेंट इज गोइंग. मैनी अ इज इक्वल टू सो मैनी लार्ज इन नंबर. सो यू वॉन्ट टू से that a lot of students are going to the playground. Affirmative में ऐसे बोलेंगे, ठीक है, दूसरे तरीके से कोई दूसरा determiner use कर दिया. और many एक से जब भी use करेंगे तो singular plus, मैंने आपको simple सा बता दिया, many a is equal to singular verb, singular noun and singular verb. लेकिन much में क्या कर रहे थे हम, much में singular ही होता है क्योंकि quantity है, उसमें क्वांटिटी सिंगुलर ही आएगी. उसको हम वाटर वाटर्स नहीं बोल सकते हैं, सॉइल सॉइल्स नहीं बोल सकते हैं, मिल्क मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं. तो मच के साथ हमेशा ही सिंगुलर आएगा, तो वो ध्यान रखना. तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, लेकिन जब मैनी है तो मैनी प्लस प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. जैसे सो मैनी बॉयज आर, so many boys are, okay, या many boys are, how many boys are, interrogative में वैसे कर देंगे. तो I hope कि आपको use of much, many और many a, इसमें हमने तीन नहीं किए, हमने मात्र तीन नहीं किए, we have not done only three, many, much and many a, no, we have done so many, lot of, lots of, a great number of, a great numbers of, a good deal of, great deal of, these we have done in this lecture. Okay, then we will start determiners part 4, because there are so many determiners in first part. I have told you demonstrative adjectives, adjectives of quantity, adjective of number, then articles, we have done article already. So in the next part we will continue with determiners. Okay, thank you.